लगा कि मेरा हार्ट 90% क्या 99% ब्लॉकेज है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बाईपास जी, बाईपास सर्जरी जी सर। ये था कि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, मैंने बाबा रामदेव के लगभग कुछ भी नहीं तो 4-4.5 लाख की दवाइयाँ खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। हार्ट का रिजल्ट आपके सामने लाया हूँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है जी। सर आप यहीं के रहने वाले होंगे पिथौरागढ़ से? मैं पिथौरागढ़ के गांव बजेटी का रहने वाला हूँ जी। सर आपने क्या क्या प्रोडक्ट खाए और आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी, आप कितने समय से आप बाहर की चीज़ें दवाइयों को यूज़ कर रहे थे, आप कुछ अपने बारे में सर? हाँ, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम का एहसास सन 2004 में हुआ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं दिल्ली बत्रा हॉस्पिटल पर गया था, वहाँ मेरी कार्डियोलॉजी वगैरह करवाई गई थी, तो उसमें पता लगा कि मेरा हार्ट 99% ब्लॉकेज है। तो बत्रा हॉस्पिटल में डॉक्टर आशा रानी खन्ना, जो लंदन से गोल्ड मेडलिस्ट थी, उन्होंने बताया कि आप जो है ये दवाइयाँ खाइए, अगर 1% भी आराम होगा तो दवाइयाँ चलेंगी, अदरवाइज आपको 1-2 साल के अंदर या 5-6 साल के अंदर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बाईपास जी, बाईपास सर्जरी जी। सर आपको कहाँ से पता चला इन प्रोडक्ट के बारे में, हमारे एसलेपीएस के प्रोडक्ट के बारे में? अब ऐसा था कि मैं एलोपैथ के पीछे कम, आयुर्वेद के पीछे ज़्यादा भागा, क्योंकि आयुर्वेद में अलग ही वह है कि किसी भी बीमारी को जड़ से ही खत्म करने की क्षमता रखती है, तो एलोपैथ में भरोसा मुझको बिल्कुल नहीं था, वो कुछ समय के लिए तो रोकथाम कर लेती है, लेकिन आयुर्वेद में ये था कि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, मैंने बाबा रामदेव के लगभग कुछ भी नहीं तो 4-4.5 लाख की दवाइयाँ खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। इत्तफाकन मेरी मुलाकात हुई एचलीपीएस, तो वहाँ लोगों के बारे में जाना, प्रोडक्ट के बारे में देखा सब कुछ, मैंने कहा चलो भाई इतना पैसा तो मैंने यहाँ खर्च कर लिया, बेहतर है कि मैं 10-15 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट हैं खरीद करके देख लूँ, जब लाखों खर्च कर दिया तो कोई फर्क नहीं, आयुर्वेद का साइड इफेक्ट है नहीं मैंने किया, लेकिन मुझे बहुत बेहतरीन आराम भी मिला और पता लगा कि क्योंकि जो प्रॉब्लम होती, मैंने खैर कार्डियोलॉजी तो करवाई नहीं, लेकिन आराम मुझे बहुत मिला जी। अभी आपको कितना परसेंट आराम लग रहा है सर? है मेरे को तो कम से कम 50-60% आराम है ये जी। अल्लाह, अभी बाईपास सर्जरी करने की जरूरत नहीं है? नहीं है मुझे बिल्कुल। मैं अच्छा जी, सर आपने क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया, आप उनका नाम? मैंने कार्डियोडॉ और थंडर ब्लास्ट ही यूज किया। क्या आप अभी भी यूज करना चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट? बिल्कुल, अभी भी मैं ये बेरी डॉग ये जो है उसके साथ ये भी यूज कर रहा हूँ, थंडर ब्लास्ट, और ये तो कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ और अभी भी करूँगा जब तक कि मेरा 100% सही ना हो जाए। तो हमारे प्रोडक्ट और हमारे एसलेपीएस संस्था, हमारे महागुरु संजीव सर, हमारे CMD CEO सर के बारे में, आप संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो आयुर्वेद में जो संस्था ये कर रखा आयुर्वेद में, तो ये बहुत अच्छी है। हम तो लोगों से यही कहेंगे कि जो इधर उधर की फजूल चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, बेहतर है एक बार आजमा लें, कोई एलोपैथ के पीछे जो भाग रहे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप एक बार इसको आजमा के देखिए प्रोडक्ट को, आप हजारों रुपया इधर खर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर भी खर्च करके देखिए और रिजल्ट आपको सामने मिलेगा। अब जैसे मुझे मिला ना, मेरी माता जी का शुगर उनका सही हुआ, उन्हीं वही दवाइयाँ खा करके, तो बेहतर है। संजीव सर का तो धन्यवाद अदा करेंगे जिन्होंने एचलीपीएस कंपनी के माध्यम से ये दवाइयाँ प्रोडक्ट बना रखा है, बस और क्या कहें फिर। धन्यवाद सर आपका चंद्र प्रकाश जी, आपने हमारे प्रोडक्ट यूज़ किए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एचलीपीएस संस्था और हमारे महागुरु संजीव सर को इस प्लेटफॉर्म को हमें देने के लिए, हमारे आयुर्वेद को इतने अच्छे प्रोडक्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय भारत, जय एचलीपीएस, थैंक यू एचलीपीएस।